दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो लोग मेरे ऊपर बार बार रंग फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और वो इतने बड़े बड़े गुब्बारे फेंक रहे हैं और मयंक और सांची मुझे बचा रहे हैं क्योंकि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी होली अच्छी गई होगी। तो मैं इस व्लॉग में आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी होली कैसी गई। एक्चुअली होली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि अच्छी जाएगी, बट क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मेरे, मतलब 29 को होली है तो 30 को मेरा एक एग्ज़ाम है, फिर 31 को है, तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई थी, देहरादून आ गई थी। बट मेरी एक फ्रेंड है, मेरे को समझ नहीं आती मैं कहाँ रहूँ, बट मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त कम बहन ज़्यादा है, मैं उसके पास आ रखी हूँ अभी। मैं हरिद्वार में यहाँ से देखिए आप व्यू, मुझे इतना प्यारा लग रहा है। और अभी हम हर की पौड़ी जाएंगे, वहाँ का व्यू देखेंगे। अभी यहाँ पे करंटली कुंभ मेला चल रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने गंगा आरती नहीं देखी, शायद ये मेरी डेस्टिनी में था कि मैं यहाँ आके देखूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ये मेरी सबसे प्यारी बहन है साचू, हेलो बोलिए इसको। ये बहुत प्यारी है, इसने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी फैमिली इतनी प्यारी है, मुझे ऐसा नहीं लग ही नहीं रहा कि मैं हरिद्वार आ रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरी कोई घर के आसपास की है, मेरे रिश्तेदार ही हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सिमिलर, एज सिमिलर टू आवर कुमाऊनी लैंग्वेज बिल्कुल है। मैं तो उनसे वैसी लैंग्वेज में बात करी, पहाड़ी लैंग्वेज, मुझे तो हिंदी में बात करने का मन ही नहीं कर रहा है। और स्पेशली इनकी नानी बहुत प्यारी है और यहाँ पे इतना प्यारा व्यू है, देखिए पीछे वहाँ पे इतने सारे यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे वो देखिए मूर्ति है भगवान जी की, वो वाली महादेव की मूर्ति है। और यहाँ पे पीछे कुछ अभी हो रहा है, पूजा हो रही है शायद, कुछ हो रहा है ना। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंदिर है, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ वहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, जहाँ पे वहाँ पे मंदिर है एक, वहाँ पे आरती चल रही है शायद। तो बहुत सुंदर है हरिद्वार तो यार, अपना उत्तराखंड अपनी देवभूमि, खूबसूरत ही है। पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों। अब मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ, क्यों ना इसको एक अच्छी यादगार सीन याद की तरह इसको अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूँ ताकि आप लोग भी इसे देखें। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक मेरे साथ बनी रहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी और मैंने सुना वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। ये मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी बहन साची, और ये उनके भैया हैं, तो हम तीनों जा रहे हैं। सो आई एम सो एक्साइटेड, चलो बैठो। सीट हो जाएगी ना, ऐसा नहीं आगे आगे को मत खींच सकना मैं, ऐसा नहीं है कि तीनों साथ में अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है?
उसमें मुझे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था कुछ कि मैं, मुझे पता नहीं था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. बट आई एम सो हैप्पी एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला. सो हैप्पी. दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ VIP घाट में. यहाँ पे बहुत सारे सेलेब्स भी आते हैं और वो लकीली गेट खुला हुआ था तो हम अंदर आ गए. तो काफी सुंदर है, देखिए. आई विश यहाँ पे कोई सेलेब होता, बट इस जगह में आ गई, इससे बढ़कर मेले क्या है. लाइक की वजह से थोड़ा सा आपको सामने से व्यू दिखा दें. दोस्तों देखते देखते 11 बज गया है और अभी हम यहाँ पे हैं. अभी हम लोग VIP घाट जब गए थे ना, तो वहाँ पे हम लोग को बोला गया कि आप लोग यहाँ पे कैसे आ गए, बट उन लोगों ने गेट खोला हुआ था तो वो तो उनकी गलती है ना, क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रिटीज आते रहते तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो सब वहाँ पे. तो तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा वाला सामने वो भी 32 किलोमीटर चालू की शूटिंग वहीं पे. बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं और मूवीज जिनकी शूटिंग वहाँ पे होती है. यहाँ पे इतना प्यारा फ्लो है. मैं तो कल सुबह मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे आके डुबकी लगाऊं. तो सचू आप मुझे लेकर आओगे ना यहाँ पे. अभी यहाँ पे कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ मेला हर साल में एक बार ही आता है. तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब चाहती हूँ कि, दिल से मेरी एक विश है कि यहाँ पे मैं एक बार तो डुबकी लगाऊं. और मैं चाहती हूँ कि एक बार, बस एक बार वहाँ पे से हाँ, कल होली के शुभ अवसर पर मैं ऐसे करूँ. कितनी सारी भीड़ है. वैसे इतनी भीड़ भी नहीं है. मैंने सुना था कुंभ मेले में लोग खो जाते हैं, पर वैसे कोरोना की वजह से अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है. और भूख भी नहीं लग रही है यहाँ पे आगे, पता नहीं क्यों. बड़ा अच्छा लग रहा है. बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, लिटरली बहुत पॉजिटिव वाइब्स. लोगों ने माला भी चढ़ा रखी है, माला भी तैर रही है उसमें, पानी में फूल हैं, फूल भी तैर रहे हैं. काफ़ी प्यारा लग रहा है. लोग हैं यहाँ पे, देखिए लोग आशीर्वाद ले रहे हैं मैया का. तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे, मैंने होली सेलिब्रेट कर ली है. ये मैं हूँ, ये मेरा चश्मा है और अब मैं फ़ोटोशूट करूँगी. तो यहाँ पे काफ़ी लोग होली खेल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे वो लोग भी होली खेल रहे हैं सभी. और आप देखेंगे तो मतलब आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं से. आपस में चिल्ला रहे हैं, होली खेल रहे हैं. पता नहीं वो लोग क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं. माय गॉड, बहुत बुरी तरह एक दूसरे को रंग लगा दिया उन लोगों ने. भीगने भीगाने वाली होली तो हम नहीं खेल रहे हैं, पर मज़ा आ रहा है.
नज़ारे देखकर। जो लोग खड़े हैं वो लोग मेरे पर बार बार रंग फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और वो इतने बड़े बड़े गुब्बारे फेंक रहे हैं और मयंक और साक्षी मुझे बचा रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ और वो लोग मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं और वो ये दोनों कैच कर ले रहे हैं। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि किस टाइम लोग यहाँ से जाए और मैं वीडियो बनाऊँ। ये देखिए इनने सारे गुब्बारे फेंकने का यहीं पे मतलब वो कर लिया है कि हम यहीं फेंकेंगे, इसी के ऊपर फेंकेंगे जो ये दिख रही है बस। और हम कैच कर रहे हैं, उनने हमारे साथ डिसाइड कर लिया कि वो हमारे साथ ही होली खेलेंगे। अब इतना थ्रिलिंग है ना, वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है फिर से आ जाएगा मेरे मुँह में। बट हाँ, कुछ फोटोज अच्छी आ गई हैं। अब चले गए हैं वो लोग शायद, चले जाओ प्लीज चले जाओ यार, जा रहे हैं। देखिए वो फिर से आ सकते हैं, उनको भरोसा नहीं है। देखिए हाँ 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 हाँ, कुछ करने का प्लान कर रहे हैं वो लोग। चलो अब ये सही मौका है वीडियो बनाने का। यहाँ पे खास बात ये दोस्तों कि यहाँ पे ट्रेन भी चल रही है साथ में, बट अच्छा है कि हम लोग अगर पीछे है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे होते तो बताया था कि मतलब एकदम वेव सी आती है और अच्छा है। बट मैं फ्रेंड में सोचती थी कि जिनका घर ट्रेन के पास ही होता है उनके तो मज़े होते होंगे, ट्रेन देखते रहते होंगे लोग जाते जाते, बट इंसान कब तक देख सकता है ना। तो चलिए पता नहीं चला हमें, बट वहाँ पे वालों को पता चल जाता होगा। और पीछे पहाड़ है बड़ा अच्छा, और अब कोई नहीं आ रहा मुझे परेशान करने। दिन में सितारे दिखा दिए दोस्तों, लगाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब वहाँ पे सभी लोग गए हुए हैं, वो देखिए
करिए, उसके बाद फिर टपकी लगाइए, वो बेटर रहता है। और अभी हम पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से देखिए मैं भीग गई हूँ, भीग के रखी हूँ, ठंड भी लगती थी थोड़ी सी, तो फिर हम आ गए। चलेंगे।